go inside. Hi. I'm expecting it to be quite cool. I think it's a they have a outlook which is slightly different, and it's nice to see that perspective once in a while in this industry, where they appreciate everything. So excited. Thank you. Yay! Let's go. Hi, good evening. Hi. Hi. I'm actually really happy to be here. I feel like it's so important that we're giving our critics the due respect that they deserve, because I think their opinions do matter a lot. And this is completely their evening and their choices. And I'm here to be with them and to tell them that I actually do read a lot of what they write and I do listen to a lot of what they say. So I'm happy to be here for that. Actually, I don't know what has been nominated, but I'm going in there. I know that there are nominations across the country, and because this last year and a half I've also done films down south, so I'm really happy to be here for that. Mujhe nominations nahi pata, I'm going to go and check it out. आपकी हिंदी भी कितनी खूबसूरत है. हाँ जी जी. नहीं नहीं, ऑफ कोर्स इट फील्स लवली. और ये जो पहला क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स है फॉर फीचर फिल्म्स एज वेल, आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि मैं इस पहली अवार्ड फंक्शन में शामिल हूँ. एंड या इट ऑलवेज फील्स नाइस जब आप क्रिटिक्स से प्यार मिलता है, तो वेदर यू लाइक जो कहे, मैं रिव्यू पढ़ती हूँ ना पढ़ती हूँ, मैं तो पढ़ती हूँ, मुझे तो बहुत खुशी मिलती है. सो या इट फील्स ग्रेट टू बी हियर. नहीं नहीं, देखिए आई थिंक एवरीबडी, ये जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री, एवरीबडी ट्राइज टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. जो हम करना चाहते हैं हम वो करने की कोशिश करते हैं. कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी नहीं होता है. एंड दैट्स ऑल्सो समथिंग फॉर अस टू लर्न, पिकअप द पीसेज एंड मूव ऑन. ऐसे नहीं है कि हर दिन सूरज बाहर आता है, कभी कभी तो बारिश हो गई. सो या इट्स ऑल लर्निंग फॉर एवरीबडी. एनालाइज तो मैं नहीं करूँगी, बिकॉज आई थिंक दैट समथिंग दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, एंड व्हेन द ऑडियंस डज नॉट एक्सेप्ट अ फिल्म, देन द फिल्म शुड नॉट डू वेल. दैट्स जस्ट द वे इट इज़. और हमें बस एक्सेप्ट करके आगे, यू नो, ट्राई एंड कम बैक एंड ट्राई एंड यू नो मेक श्योर दैट नॉट डिसअपॉइंटेड नेक्स्ट टाइम. शुक्रिया. देखिए, इफ अगर मैं ऐसी हूँ, देन माई
my family is 10 times more mature and stronger than I am. मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है. यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी, पॉजिटिव, वर्क हार्ड, यू नो बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एवरी डे. लोग क्या कहे क्या ना कहे, आई शुड नॉट पे अटेंशन टू इट. एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट टू यू नो टू से वॉट दे वॉन्ट टू से. मैं बस चुप रहूँगी, दैट्स माई स्टैंड. वी नीड टू टेक इनसाइड. कैसे हो आप? बहुत टाइम के बाद दिखे आप. थैंक यू यार. मैं हाँ, मैं मशरूफ ही रहती हूँ. कुछ जिंदगी में कुछ है ही नहीं बचा, तो अभी मैं अकेली रहती हूँ. मजाक कर, सामने देखूँ. ओके, अरे थैंक यू थैंक यू. अरे अरे, जितना एक्साइटमेंट आप मेरे लिए दिखा रही हूँ, मैं भी आपको ही दिखा रही हूँ. आप यहाँ से बोलते ना तो मेरा मन करता है कि मैं आपको देखूं. डन डन, नहीं उनको सुन के यहाँ पे. मैं वो हूँ जो सारे रिव्यूज़ देखती है. आई फॉलो एवरीबडी, अनुपमा, सुचित्रा, राजीव मसंत. तो मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि जनरली क्रिटिक्स अवार्ड्स, हर अवार्ड शो में एक स्लॉट होता है या दो स्लॉट होता है. तो आई एम एक्साइटेड फॉर देम. एंड अंधाधुन और बहुत सारी ऐसी फिल्में जो मुझे पसंद है, आई होप उनको मिले अवार्ड. मेरी नसीब है, ऊपर वाला मेरे साथ है. अरे यार क्या बोलूँ मैं. अबाउट द फिल्म, आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट इट. मुझे अच्छा लग रहा है. मुझे लगता है मेरी एक विश लिस्ट है सारे खान्स के साथ काम करना, धीरे धीरे वो पूरी हो रही है. बट या आई एम एक्साइटेड. नहीं नहीं यार, मैं क्यों एक्सपेक्ट करूँ. बट ऑडिशन अगर लेंगे तो मैं क्यों नहीं दूंगी ऑडिशन. ऑफकोर्स, किस बारे में? मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा काम मिल रहा है, मैं खुश हूँ. आप बताओ, आप कैसे हो? आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? आई लव यू टू. थैंक यू थैंक यू. हाँ जी, गुड इवनिंग जी, व्हाट्स हैपनिंग, हाउ आर यू ऑल? यार आई थिंक दिस इज डेफिनेटली गोना बी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड अवार्ड फंक्शंस. आई थिंक वी जनरली नीडेड समथिंग लाइक दिस, बिकॉज
in the past couple of years, I think we've made some really, really good cinema. The craft of filmmaking has had a paradigm shift. So you really needed an award function which, you know, genuinely brings all the good filmmakers together. So really expecting a lot from this award function. That's a very sweet thing which Vijay Verma has said, and it's very practical as well, because I think we all come from the same not only school of thought, but also I think school of acting for that matter. Even when Vijay is, you know, my senior from theatre. But having said that, I really want to say that, you know, another reason that these awards and these people are important, because number one, see, every profession has a certain kind of credibility attached to it. And you always need to have whatever you're doing, be it acting or be it direction or be it, you know, music direction, you need to have some process to understand that you're going right or you're going wrong. So these are the people who are guiding all of us through, and the kind of people attached to this award function are definitely one of the best in the business, are definitely the most respected ones, and are definitely the most experienced ones. Yeah. Sir, kaise hain aap? Kya baat hai? Kiske liye? Yaar, I think it has been a really good year, and I mean, I really want to thank all the, you know, friends around who always wish the best. Of course, our parents who have definitely, you know, prayed a lot for these days. And I hope these days continue, because, of course, somebody will come and go. Somebody will, you know, it'll be somebody's year this year, somebody else's year next year. So I hope this phase continues in a good way. And yeah, that's it. Yeah, I think I've always been a people's person. I've always been, you know, a person who has always had friends and family always going by the side. And especially because I was a radio jockey, so I was always, you know, with my people all the time. And because of the kind of profession I was into, radio for 8 years, you need to find a connect with someone jisko aapne kabhi dekha bhi nahi hai zindagi mein. Unke saath aapko roz ek connect banana padta hai. To jinke saath main roz ghumta hu, unke saath to khatarnak connect hai ye. Touch wood. Yeah. बिल्कुल बढ़िया है. टचवुड, आई मीन, यू नो, या नो नो, आई मीन टचवुड, थिंग्स हैव बीन रियली रियली फाइन नाउ, एंड यू नो शी इज आल्सो स्टार्ट गोइंग टू द जिम नाउ. सो आई थिंक टचवुड, फिजिकली शी इज फीलिंग फिट, एंड मेंटली शी वाज ऑलवेज, यू नो, सो स्ट्रांग. यार, ये जो बातें आप लेकर आते हैं ना, हंस की तरह हैं, यही सब तो बातें सुनने के लिए आते हैं लोग यहाँ ना. सो यार, आई थिंक आई अगेन से दैट स्क्रिप्ट, I don't want to take credit away from the writers and the directors who have made those films, chahe wo Ayush Bhaiya ke liye ho, chahe mere liye ho, ya kisi bhi actor ke liye ho. So I think these scripts just choose the actors. Actors don't really choose the scripts, and I mean, you just have to be at the right place at the right time, God willing. Okay, Paddy, aapne wo script ki baat ki, to what script that you have chosen, ya script that chose you? Yaar, okay. So next one is a film called Kanpur. I'm really, really excited about that film and really proud of the film, because after a really long time, I read the script in one go. Normally, kuch na kuch aa jata hai, to aap kabhi kuch TV pe dekh rahe hain, Netflix pe dekh rahe hain, chai pee rahe hain, koi dost ka phone aa gaya, kuch ho gaya, to aap kai baar beech mein ruk jate hain 10-15 minute ke liye. This is a script which I read totally in at one go, and I really enjoyed it, really enjoyed shooting for it, and most likely September, October we'll release it. Yeah, thank you so much. Thank you. I'm expecting fairness, and at the same time, the film which have been appreciated by the critics, obviously most of them are deserving, and I'm sure these deserving films and deserving actors will be given the award. Right. Or, abhi award season chal raha hai, Jaan Ki, a lot of awards, how happy are you?
Well, I'm as happy as a father as I as a father should be. I'm different, sir. How प्यारे लग रहे हो आप? सच्ची? हाँ, recommend करोगे? अरे film industry आपने आपने आप क्या करोगे? See you. आप एक remake का जो आप remake जो चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे इसे क्या हो गया? आपने rushes देखे and you liked it a lot. Yes, yes, yeah, I liked it and I'm keen that Ajit does a Hindi film too. Hi, how's it going? Picture to oh. Okay. हो गया. I'm so late. I think it's amazing that they've instituted their own awards. If I may be cheeky, now maybe the main awards will do away with the critics category since the critics have their own awards, but you never know. मैं तो आपकी चॉइस रही हूँ बस. Happy Easter. Yes. See you then.